अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम फिल फिजिक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ है, और साथ हम करेंगे इसके मल्टीपल चॉइसेस हैं आज के। तो आप हम पहले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के ऊपर, कि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ जो होती हैं इनका क्या होता है, सेम एक्सेलरेशन होता है इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैथ, यानी कि ये जो इनका एक्सेलरेशन होता है ये सेम होता है, इनके मैथ का फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितना मैस है, किसी का मैस ज़्यादा होगा किसी बॉडी का या फिर किसी बॉडी का मैस कम होगा तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एक ही एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएंगे। इसका एक्सपेरिमेंट टावर ऑफ पीसा पे किया गया था, जो लीनिंग टावर है जो है उसके ऊपर ये किया गया था। तो वहाँ पर इन्होंने एक हैवी बॉडी फेंकी थी, एक लाइट मैस वाली बॉडी को फेंका गया था, जब दोनों हैं एक ही एक्सेलरेशन के साथ क्या है नीचे आए हैं। इसी तरह मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होती है वो उनका एक्सेलरेशन जो होता है सेम होता है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, जी होता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। आगे पढ़ते हैं हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है। एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि ऐसी बॉडी जो फ्रीली नीचे गिर रही है बगैर किसी सपोर्ट के, तो बगैर किसी रुकावट के, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी के एक्शन के अंडर जो बॉडी नीचे को गिर रही है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय जी, इसको जी से डिनोट किया जाता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है इसकी वैल्यू। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का जो हमारे पास जी की वैल्यू क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है हमारे पास है। इसकी वैल्यूज़ क्या होती है हमारे पास, पॉजिटिव भी होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं। पॉजिटिव वैल्यू कब होती है, फॉर फॉलिंग बॉडी द वैल्यू ऑफ जी इज़ पॉजिटिव। अगर एक बॉडी फ्रीली नीचे की तरफ गिरी है, ऊपर से ही नीचे की तरफ गिरी है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम छत से नीचे की तरफ फेंकेंगे, तो जो उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा। इफ़ अ बॉडी इज मूविंग अप द वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव, यानी कि हमारे पास ऐसी बॉडी जो ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रही है उसका जो एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा, जी की वैल्यू जो होगी हमारे पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जैसे कि हम किसी बाल को ऊपर की तरफ फेंकें या किसी भी स्टोन को ऊपर की तरफ फेंकें, तो जो उसकी जी की वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, मल्टीपल चॉइसेस है हमारे पास है। अ बॉडी हैज़ ट्रांसलेटरी मोशन इफ़ इट मूव्स इन, एक बॉडी है जिस जो हमारे पास क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन के साथ मूव कर रही है, अगर वो क्या करे, मूव करे इन लाइन विदाउट रोटेशन, यानी कि किस में मूव करे, ऐसी लाइन जिसके अंदर कोई रोटेशन ना हो, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारे पास दूसरे ऑप्शन भी है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या सर्कुलर या फिर कर्व्ड पाथ, ये तीन ऑप्शन है हमारे पास, ये तीनों ऑप्शन हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। जो सी ऑप्शन है हमारे पास ये हमारे पास सही है, इसको हम मार्क कर देते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड, यानी कि किसी भी बॉडी की मोशन है जो एक एक्सिस के गिर्द घूम रही है, रोटेट कर रही है हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन या फिर रेंडम मोशन। हमारा आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा, रोटेटरी मोशन, यानी कि ऐसी बॉडी जो हमारे पास कहाँ पे एक्सिस के गिर्द घूम रही है, इसे हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, ये जो हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें ढूंढना है कि कौन सी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है। स्पीड जो है, स्पीड एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। पावर क्या है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड, अगर एक ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ, इस स्पीड टाइम ग्राफ विल स्ट्रेट लाइन, जो इसका स्पीड टाइम ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, किसके अलॉन्ग होगा, अलॉन्ग टाइम एक्सिस के अलॉन्ग होगा, अलॉन्ग डिस्टेंस एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, या फिर पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के, तो इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, या फिर इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस होगा। तो हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी है, इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस हो जाएगा हमारे पास। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या था, हमारे पास अ बॉडी हैज अ ट्रांसलेटरी मोशन इफ इट मूव्स इन लाइन विदाउट रोटेशन। सेकंड क्या था, द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। थर्ड वाला हमारे पास क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड हमारे पास क्या था, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी हम कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी जो है हमारे पास क्या है,
वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हमारे पास कहता है इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड देन इस स्पीड टाइम ग्राफ विल स्ट्रेट लाइन, जो उसका स्पीड टाइम ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस। तो ये किस तरह इंक्लाइन करेगा, टाइम एक्सिस के साथ हमारे पास चलेगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।